भी ये गेम खेलना चाहते थे, निकालना चाहते थे थर्ड मैन की जानिब, और इस बार रास्ते पे पड़ी इस गेंद को, गेंद की लाइन से, और इस बीच ड्राइव किया है और ये आउट। इधर की अगली गेंद ओवर पिच गेंद थी, उठा दिया है उसे, देखना पड़ेगा गेंद। इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, खेल बैठे हैं, इस बार फिर से उछाल है और फिर से लॉन्ग ऑफ के, लॉन्ग ऑन के फील्डर देख रहे हैं, और इस बार सफर करते हुए खेले और ये आउट। लेग ब्रेक गेंदबाज और फ्लाइटेड गेंद थी, फ्लाइट का पूरी तरीके से फायदा उठाया, गेंद की पिच तक पहुंचे थे लेकिन बल्ले में वो कूदा वो जा। अगली गेंद अदनान की और खेल दिया है उसे खुर्रम ने, देखना पड़ेगा। और इस बार फिर से ड्राइव किया, इस बार उठता हुआ शॉट है, देखना पड़ेगा फील्डर। और इस बार लेग ब्रेक गेंद थी, देखते हुए गेंद के स्पिन के साथ ही खेल दिया है अपने तजर्बे के साथ खुर्रम मंजूर ने। याद बारी ले रहे थे, खामोश पड़ रहे थे, खामोश खेल रहे थे, और इस बार ये आउट। कमान का शॉट खेला था लेकिन बदकिस्मती से आउट होकर पवेलियन में जा रहे हैं। 33 रन किए हैं खुर्रम मंजूर ने 31 गेंदों का सामना करते हुए। अगली गेंद फिर से उठा दिया है लेकिन देखना पड़ेगा, दिखा दिया है इसे बल्ले, और इस बार बगैर गेंद की लाइन में आए बल्ला चलाना चाहते थे, देखना पड़ेगा और ये आउट। ये देखिए अच्छा डिसीजन था लेग एम्पायर का, ये हमारे कमर गेंद और थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, फिर से खेला था बगैर गेंद की लाइन में आए उछाल दे बैठे हैं, और ये आसान सा कैच अदर स्ट्राइक रेट से खेले हैं अरसलान फर्जंद, जिन्होंने 20 रन बनाए, 17 ओवर 15 रन 1 विकेट, इकोनॉमी रेट उनका 3.75 रहा, और अब 122 रन का हदफ उबूर करना होगा। This one beautifully cut there by Hafiz Asad Beg. This one and that was pitched on the middle stump. This one finally he succeeds and it's 6 runs. There was good delivery. Handling the ball. Now the umpires are having a discussion while the batsman stays. He's out and under handling the ball in 22 runs. Wow. Yes, we have a run rate graph, and Al Noor is way behind the required run rate. And here come the Manhattans. Excellent job, TN Visions. Good job. अपने बॉलिंग मार्क पर इस बार शफल करते हुए गए हैं, उठा दिया है शॉट डीप फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं आने के बल्लेबाजों को, और ये तारीफ करना पड़ेगी, कमाल का कैच लेके पवेलियन में भेजा है गेंदबाज ने। अरसलान है ये गेंदबाज जिन्होंने नामुमकिन कैच को लेके इनिंग का खात्मा किया है। यार अपने बॉलिंग मार्क पर इस दफा ड्राइव क्या है, देखना पड़ेगा। गेंद एक टप्पा खाती हुई डीप का मिड ऑफ की तरफ चार, और इस बार रिवर्स बल्ले का सहारा लेते हुए खेले हैं, देखना पड़ेगा जब तक कि डीप बैक पॉइंट बाउंड्री की तरफ फील्डर जाके फील्ड करें कोई। दूसरा ओवर कर रहे हैं राउंड द विकेट, और इस बार खेला है असद ने स्टेटर पोजीशन पे, देखना पड़ेगा गेंद उड़ान भरती हुई सीधा स्टेटर पोजीशन पे बाउंड्री लाइन के ऊपर से, रन का नज़ारा ज़रूर देखेंगे। और इस बार देखना पड़ेगा नज़दीकी मामला था, थर्ड एम्पायर को रेफर किया है। इस बार खेल दिया उठता हुआ शॉट, बहुत ही दिल बड़े दिल का शॉट, बहुत ही बड़ा शॉट हाफिज का कहना पड़ेगा, कदमों का इस्तेमाल किया, जहां 1 रन चाहिए था वहां 4 रन जड़ दिए हैं हाफिज ने। हाफिज
वेल प्लेड हाफिज, अपनी टीम को छक्के लगाए और बहुत ही काबिल दीद छक्के थे, उन छक्कों से खासी हद तक मैदान वापस आए थे और 138 का स्ट्राइक रेट से खेले थे। और इसी तरह से बॉलिंग एनालिसिस हम बताते हैं नियामत खान। में अच्छा नहीं हो सका आज लास्ट बॉल फिनिश, तो आप कैसे देख रहे हैं क्योंकि टूर्नामेंट बड़ा टाइट है, 5 टीम है हर ग्रुप में, तो आगे एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू टू द प्रेजेंटेशन पार्टी एंड